पोल्यूशन, स्मोक एंड कोरोना वायरस, हाथ की ट्रांसमिशन आपको कोरोना की तरफ ले जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं उनकी एज 50 साल से ज्यादा है। व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन दे नीड टू वंस दे रियलाइज कि कुछ इस तरह की सिम्टम्स आना शुरू हो गई हैं। टिल डेट देयर इज नो एंटीवायरल व्हिच हैज प्रूवन एफिकेसी अगेंस्ट कोरोना वायरस। मास्क कितना हेल्पफुल है। वायरस का साइज इतना छोटा होता है कि वो उससे नहीं रुक सकते, उसके लिए स्पेशल मास्क है। थ्रेट के तौर पे सामने आता जा रहा है और जब से ये अफवाह फैलना शुरू हो गई है कि इट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर अ पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ये फैलती जा रही है और शायद जो WHO है और वर्ल्ड बैंक है जिस तरीके से वो फंड जनरेट कर रहे हैं, एक खतरा ये है कि इट इज गोइंग टू बी अ सीरियस थ्रेट इन द फ्यूचर ऑल्सो। इज इट दैट सीरियस? इसके मिथ क्या है और रियलिटीज क्या है? हमारे यहाँ पे बेशुमार लोगों ने लोगों को डराने के लिए बेशुमार अफवाहें जनरेट करना शुरू कर दी, दवाइयां सुजेस्ट करना शुरू कर दी, वैक्सीन्स बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत क्या है? हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए इससे? और कहां तक मेडिसिन के एरिया में इस पे काम हो रहे हैं? लेट्स डिस्कस दिस टू समबडी हु इज अ थॉरो प्रोफेशनल और नॉट ओनली ही बीइंग अ डॉक्टर, चूंकि उनका एक बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, रिसर्च साइड पे बहुत काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आज हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनसे लें, उनसे पूछें कि इन एरियाज पे क्या हो रहा है। लेट मी इंट्रोड्यूस HA रिसर्च एंड फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर शहजाद कुरेश साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये कोरोना वाकई इतना डेंजरस है जितना एक हवा क्रिएट कर दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम अलमास साहब, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए कोरोना वायरस की अपनी एक इंटेंसिटी इस हिसाब से तो है कि कोरोना वायरस अभी नवंबर में अपीयर हुआ है चाइना में, वुहान में, जैसे एवरीबडी नोज अबाउट इट, और इसकी ऑलरेडी मूवमेंट फ्रॉम एपिडेमिक टू पेंडेमिक शिफ्ट हो चुकी है। एपिडेमिक हम जनरली कहते हैं कि अगर एक वबा की सूरत में एक बीमारी एक ख़ास खित्ते में, ख़ास एरिया में स्प्रेड हो, जैसे अगर से पाकिस्तान में अक्रॉस दी बोर्ड होगी तो हम उसे एपिडेमिक कहेंगे, और पेंडेमिक हम कहते हैं जब वो एक मुल्क से ज़्यादा मुल्कों को इस्तेमाल पूरी दुनिया की तरफ फैलना शुरू हो जाए। ठीक है, नाउ इन सच ए शॉर्ट पीरियड इट हैज़ कवर्ड द ग्लोब प्रैक्टिकली, सो इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, ये एक रियल थ्रेट है, मगर ये थ्रेट कितनी है कि उससे डरना चाहिए कि नहीं, इस पे आज बात करें। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि वायरस बेशुमार हैं, बीमारियां आती रहती हैं, फ्लू से हर साल बेशुमार लोग जो हैं उनकी डेथ होता रहता है, जो फर्टेलिटी रेट इसका देखा जाए कि जो द नंबर ऑफ द पीपल हु गॉट विक्टिम ऑफ दिस वायरस और एज अ रिजल्ट दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, एक्चुअली परसेंटेज क्या खतरनाक है? उसे कोई ऐसा डर पैदा होता है जो बाकी वायरस हैं उनसे जो फर्टेलिटी होती है और कोरोना से जो फर्टेलिटी है, इनका अगर कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको कहूं तो? अलमास साहब एक्चुअली वी लिव टुडे इन अ वर्ल्ड जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत क्विक है, स्मार्टफोन हर एक के हाथ में, तो थ्रेट जो होती है वो एक्सपोनेंशियली ज्यादा हाइप क्रिएट कर देती है। हाँ ठीक है, बेसिकली अगर आप इसकी मोर्टैलिटी देखिए तो इसका नंबर इज वेरिंग समवेयर बिटवीन 2-3%, जिसका मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस से डिजीज हुआ है तो उसमें से 2-3 लोगों की अमवात हुई है। ये नंबर बड़ा अमेजिंग नंबर आपने मुझे बताया। यहाँ पे तो डर ये है कि जो खौफ है कि जिसको कोरोना हुआ बस वो कुछ दिनों का मेहमान है, दिस इज हाउ इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एक्चुअली। देखिए इसमें तकरीबन 88% बल्कि केसेस जो हैं वो या तो माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं। ओके, इट इज़ द रेस्ट ऑफ द केसेस विच आर एक्चुअली क्रिटिकल, और उस क्रिटिकल में से बेसिकली जो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं उसमें से 98% लोगों की रिकवरी हो रही है। अच्छा, उनकी भी रिकवरी हो रही है। इट इज ओनली 2-3% विच इज एक्चुअली इफेक्टिंग इन अ वे कि पीपल आर लूजिंग लाइफ। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएं कि वो जो 2-3% का आप बता रही हैं, अगर हम देखें, हम जनरली किसी भी बीमारी में देखें, और जिस तरह आजकल चूंकि सर्दियों का मौसम था, आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो नीचे गया होता है, लोगों को बेशुमार मल्टीपल बीमारियां वैसे होती हैं, एज फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद होता है, जब ये सारी चीज़ें क्लब करती हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। वैसे भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बुजुर्ग सर्दियों में अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती हैं। डू यू थिंक वन ऑफ द रीजन जो 2-3% आप कह रहे हैं
उसमें कोरोना वायरस इज नॉट दी ओनली रीजन, एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स। देखिए अगर हम उन केसेस को देखें जो कि 2-3% हैं और जिनकी डेथ्स हुई हैं, तो इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं उनकी एज 50 साल से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 50 साल से ज्यादा के जब हम मरीजों की बात कर रहे हैं तो उनके पास उनमें मल्टीपल डिजीजेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हाइपरटेंसिव होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायबिटिक्स होते हैं या उन्हें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। सो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है, इसलिए कि ये एक कंपाउंड इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो ग्रुप्स जो यंगस्टर्स का ग्रुप है और अप टू 50 है, उसमें रिकवरी इज इमैक्युलेट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये बेसिकली वायरस की म्यूटेशन है, अगर हम इसको टेक्निकली देखें और जिसको आप बेहतर तरीके से समझते हैं, विच हैपन्ड इन चाइना, दिस कैन हैपन एनीवेयर एक्चुअली। जो वायरस है वो किसी जगह पे भी म्यूटेट करके एक डिफरेंट शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन शायद इस तरह की म्यूटेशन से जो वायरस जन्म लिया है उसके हवाले से कभी पहले कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन जो है हमारे पास मौजूद नहीं थी। देखिए वायरस की एक खसूसियत है कि वो अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज अ वायरस विच इज नोवल, राइट, विच इज न्यू, विच हैज नेवर अफेक्टेड द ह्यूमन काइंड नोन, राइट, इंसानों में नहीं हुआ। तो अब इंसानों में नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि जब स्पेकुलेशन होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉसिबली ये जानवरों से आया है। हाँ, ठीक है ना, वो जिस तरह कहा गया कि बैट से है। और अच्छा, बैट से होना ना होना अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है। देयर आर पीपल हु हैव लिंक्ड कि जिन्होंने बैट सूप पिया तो उससे हो जाता है या उससे हुआ है। दिस इज ऑल आई वुड से डज नॉट एंडोर्स्ड एनी वैलिड डेटा। हम मिथ की बात करें, ये कहती है कि बिल्लियों में भी कोरोना वायरस होता है, दे लिव विद कोरोना वायरस। देखिए इस वक्त इसके बारे में डेटा क्लियर नहीं है, ना बैट के बारे में, ना डॉग्स के बारे में, ना कैट्स के बारे में। सो ये सारी अफवाहें हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते, मगर ये हम जरूर कह सकते हैं वसूख के साथ कि इंसानों में पहले कोरोना वायरस कभी नहीं हुआ, जानवरों में था। ये कोरोना वायरस पहले नोन नहीं है। ठीक है, ठीक, और ये पहली दफा है। सो इसलिए जितना भी डेटा है हम खुद लर्न कर रहे हैं, सारी कम्युनिटी कर रही है लर्न, डॉक्टर्स कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, फार्मा कर रही है, बायोटेक की कंपनीज कर रही हैं, या कि इसको मॉनिटर कर सकें, इसके बारे में डेटा कलेक्ट कर सकें, एनालाइज कर सकें और फिर एक प्लान बना सकें कि इसको हम कैसे। डॉक्टर साहब, खौफ का जो फैक्टर है, जो फियर फैक्टर है, बीमारियां एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स हमेशा होती हैं। पोलियो की वजह से हमने देखा पूरी दुनिया में एक ग्लोबल एक कैंपेन चली और अल्टीमेटली पोलियो एरेडिकेशन की बात हुई। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो डर पैदा हो गया है कि खुदा नहास्ता ये एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं ना हमारे यहाँ पे। अब हर लेवल पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है, अवेयरनेस देना पड़ती है, और जहाँ पे एक डर है वहाँ से लोग फ़ायदा उठाने वाले भी बेशुमार लोग आ जाते हैं। अब प्याज से और टमाटर से अगर इलाज होने शुरू हो जाएँ और हमारे डॉक्टर्स उसको इंडोर्स करना शुरू कर दें, तो ये कुछ लगता है कि ये अनरियल है, ये कुछ मौका प्रस्त लोग इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं। मुझे इसके इलाज के बारे में बताएं कि क्या कोई मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए, जिस तरह कोई और इस तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स फौरन ले, और हमारी तो आदत है कि घरों में ही होती है ना, जब मेडिकल स्टोर से ले आए। वॉट काइंड ऑफ मेडिसिन दे नीड टू वंस दे रियलाइज कि कुछ इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो गई हैं। देखिए अलमार साहब, आपने एक ही सवाल में बहुत सारे मिथ्स कवर कर लिए। ठीक है, एक तो आपने बात कर ली कि मैंने भी देखा व्हाट्सएप पे कि किसी ने रिकमेंड किया हुआ था कि प्याज खाइए और प्याज से जो है कोरोना वायरस का इलाज हो जाता है। देखिए, वी गॉट टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, लेट्स नॉट पास ऑन द मैसेजेस विच आर नॉट वैलिडेटेड। ठीक है, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है हमारे पास कि प्याज इफेक्टिव है। प्याज अच्छी गजा है, प्याज के फवायद हो सकते हैं, बट देर इज नो डेटा इन द वर्ल्ड दैट सेज कि कोरोना वायरस का इलाज प्याज में मौजूद है या लहसुन में है। सो वी गॉट टू स्टार्ट एक्टिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन एज वेल, वेरी ट्रू, कि हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो चीज ना करें जिसके बारे में ऑथेंटिक पीछे डेटा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम साइंटिफिक स्टडीज से विद टाइम बहुत सी एक मेजर चंक दूर है, तो जो टोटका जो टोना आपको मिलता है आप आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं। सो आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर कि इसका इस वक्त इलाज नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आपने की एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स हैं जो कि काम करती हैं, एक जरासीम होता है जिसे हम ग्रुप को जरासीम को बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट दवाइयाँ जो काम करती हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं, वायरस के अगेंस्ट जो काम करती हैं वो एंटीवायरल्स होती हैं। ठीक है,
till date, there is no antiviral which has proven efficacy against coronavirus. Okay. तो इसलिए कोई दवाई इस वक्त नहीं है, मगर होप है और काम हो रहा है. There are companies which are working around the world antivirals के ऊपर, मगर इस वक्त कोई नहीं है. अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कितना लग सकता है यूजली जब कोई इस तरह का नई चीज़ सामने आती है और इस तरह का वायरस सामने आता है? तो ये माजी में इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम एक्चुअली. जो मेडिसिन में जिस तरह आपका एक एजे रिसर्च फार्मा है और रिसर्च का एक विंग है जो बड़ा पोटेंट होता है, जिनका काम ही इन एरियाज को स्टडी करना होता है, पूरी दुनिया की जो फार्मा की रिसर्च फैसिलिटीज हैं वो इस पे काम कर रही होंगी और एक दौड़ होगी कि फर्स्ट एंट्रेंट एडवांटेज जो है कि जो पहले इसको बना लेगा उनके लिए एक बिजनेस कैच भी इसमें है. हाउ मच टाइम यूजली टेक, साल लग जाता है इसकी? देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो मैंने जिक्र किया एंटीवायरल्स का और एक है वैक्सीन का. ठीक है, एंटीवायरल्स पे कंटिन्यूसली काम हो रहा है एंड देयर हैज बीन कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड एंड रिसर्च सेंटर्स जिन्होंने बहुत अच्छी दवाइयाँ हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट निकाली हैं. ठीक, एंड देयर आर medicines who worked very extensively in the case of Ebola virus as well, and similar companies are working on these viruses जो कि जिसको हम अब COVID कह रहे हैं. ठीक है, COVID-19. अच्छा ये कोरोना से COVID क्यों हुआ? ये मुझे लगता है वो कोरोना बियर वालों ने कुछ इनके खिलाफ किया है, बिकॉज उनकी बियर बिकना बंद होगी, उन्होंने कहा ये कोरोना में जो है. आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है मगर अमेरिका में उसकी सेल कम हो गई, खत्म हो गई है जी. वो दे आर सफरिंग लिटरली वहां पे सूट, उनके मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, दे हैव सफर्ड अ ह्यूज बिजनेस लॉस ओनली बिकॉज उनका उनका नाम कोरोना था. देखिए कोरोना जो है वो लैटिन जबान का वर्ड है जिसका मतलब है क्राउन. ठीक है, जब हम सूरज की चारों तरफ देखते हैं और चीजें जो निकल रही होती हैं एक्सप्लोजन की वजह से, हम उसे भी क्राउन कहते हैं. ठीक है, इस वायरस पे एक्सट्रूशन हैं जो कि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो एक क्राउन का इफेक्ट देती है. तो ये सारे वायरसेस जो कि इस ग्रुप के हैं उन्हें हम कोरोना वायरस कहते हैं. COVID-19 से मुराद है CO फॉर कोरोना और VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज. सो कोविड इज अ वर्ड जो कि डिराइव किया कोरोना वायरस कॉजिंग डिजीज. ठीक, और 19 इसलिए कि 2019 में तो ये नाम है जो कि फाइनली अपीयर हुआ. ठीक है, अच्छा अब इसकी जो ट्रीटमेंट है बेसिकली उसमें वैक्सीन का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल हो सकता है और उस पर बहुत काम भी हो रहा है. जनरली जो वैक्सीन बनती हैं उसमें वो वायरस खुद इस्तेमाल होता है जिसको हम उस कंडीशन तक ले जाते हैं कि वो एक्टिव ना रहे. ठीक है, और वो एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ट्रिगर करे या कि उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो. उसकी रिसर्च भी मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँ बिकॉज उसमें स्ट्रेन एल और एस इनिशियली आइडेंटिफाई इन्होंने किए, कोई उसकी रिसर्च अगले लेवल पे. मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब इसको जब हम आइडेंटिफाई करते थे तो इसका एक प्रोसेस है इंटरनेशनल कि आप उस वैक्सीन को पहले जानवरों में ट्राई आउट करते हैं, माइस में होती है, रैबिट्स में होती है और उसके ट्रायल्स होते हैं, और अगर उसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलें और उसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल लो हो और उनमें जानवरों की अमवात ना हो तो फिर सेकंड स्टेज में आप उसको लेके जाते हैं जो कि इंसानों में ट्राई करते. ठीक है, नाउ द स्टडी विच इज़ गोइंग ऑन इन US एट द मोमेंट इज जो कि सियाटल में हो रही है, बायोटेक कंपनीज कर रही हैं, वो उस वायरस को नहीं इस्तेमाल कर रही, वो एक्चुअली उस DNA को इस्तेमाल कर रही है जो कि उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी ट्रीटमेंट करता है. ठीक है, नाउ व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट अ वैक्सीन study, it takes longer. Now they are taking a shorter route. So I'm very hopeful that it is possible. Shorter route kya hai? Shorter route is one where you trigger the response directly with the DNA. ठीक है, ठीक है ना, तो वो उसके वायरस के DNA के अगेंस्ट, RNA के अगेंस्ट इम्यूनिटी ट्रिगर. ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, जिसका मतलब ये है कि we could hope that in a very short period, which could be a year's time, we can be having vaccine in the market. All right. मुझे ये बताएं, आप थोड़ा सा general public के लिए, mask हम पहने फिर रहे हैं, महंगे होना शुरू हो गए, हमारे यहाँ पे जो एक black market का concept है कि foreign लोगों ने खरीदना शुरू कर दिए, mask कितना helpful है? I mean, क्या जरूरत है हमें पहनने की 6 feet के फासले तक? तो वैसे ही सुना है कि वो ऊपर से प्याज खा लें तो बंदा वैसे ही 6 feet से दूर रहता है. देखिए एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इसके अलामत क्या हो और ये फैलता कैसे, इसलिए इसका ताल्लुक मास्क से है. इसके तकरीबन वही साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि आपको फ्लू के मिलते हैं. फ्लू में क्या होता है, आपको बुखार होता है, आपको नसला होता है, आपको छींकें आती हैं, आप स्नीज करते हैं, एंड इन द होल प्रोसेस, छींकने के प्रोसेस में
आपके मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिक्रीशंस के होते हैं, और उसमें ये वायरस होता है। जब आप फ्लू से गुजरते हैं या आपको फ्लू होता है तो आप मास्क पहनते हैं या कि ये ड्रॉपलेट्स किसी और तक ना पहुंचे, ठीक है। तो एक एक्सपेक्ट तो ये हो गया कि आप अपने जरासीम दूसरों को ना लगाने के लिए मास्क पहनते हैं। असूलन उनको पहनना चाहिए जिनको हुआ हुआ है, बजाय इसके कि हर कोई दूसरा पहने, ठीक है, लेकिन बचने के लिए जरूरी है कि हम भी पहने। अच्छा नहीं, अच्छा अब ये मास्क जो है ये दो तरह के मास्क हैं। एक मास्क है जिसे हम कहते हैं सर्जिकल मास्क, जो कि आमतौर पर आप लोगों को पहने हुए देखते हैं और आमतौर पर बाजार में अवेलेबल है। ये वायरस को नहीं रोकते, ये बैक्टीरिया को तो रोक सकते हैं, ड्रॉपलेट्स को तो रोक सकते हैं, इसलिए कि वायरस का साइज इतना छोटा होता है कि वो उससे नहीं रोक सकते, उसके लिए स्पेशल मास्क हैं। तो सर ये क्यों पहनते हैं हम, ये बेचे जा रहे हैं और हम पहने जा रहे हैं? मेरे ख्याल से इसके बारे में इंटरनेशनल एक कॉन्ट्रोवर्सी है कि पहनने चाहिए कि नहीं। अगर राइट मास्क आप पहन रहे हैं फिर तो आप उससे बच नहीं, लेकिन अगर आप मास्क आपने पहना हुआ है सर तो वो तो आपका नाक और मुंह को प्रोटेक्ट करेगा, आप तो आंखों से भी चला जाता है ये। देखिए एक कहलाता है जिसे हम कहते हैं टी जोन। टी जोन कहते हैं आंखें, आपकी नाक और आपका मुंह, ये वो एरियाज हैं जिसके थ्रू वायरस एंटर होता है और जिसके थ्रू वायरस ट्रांसमिट भी होता है, ठीक है। जिसका मतलब है कि मैं बैठा हुआ हूँ और अगर कहीं से मैंने जरासीम ऐसे करके उठाया है, ठीक है, जो कि पिछले एक दिन के अंदर किसी कोरोना वायरस की छींक की वजह से वहां पर आया है, ठीक है, और उसके बाद में अपनी अगर आंख को मलता हूं या मैं नाक को टच करता हूं। आई होप कि हमारे टेबल पे नहीं था। मैं इसकी तरफ अभी आऊंगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि हमें अपनी इस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। और मुंह की तरफ ले जाऊं तो इधर से ट्रांसमिशन का रूट है, ठीक है। नाउ दिस टी जोन में सबसे बड़ा रोल जो है वो आपकी अपनी ट्रांसमिशन का है। वेरी राइट, वेरी राइट। आई थिंक इट वुड बी राइट टू से कि आपकी सेहत आपके हाथ में। दिस इज वन डिजीज वेयर आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये मुहावरा कि आपकी वाकई सेहत आपके हाथ में, इसलिए कि ये हाथ की ट्रांसमिशन आपको कोरोना की तरफ ले जाता है। सर सैनिटाइजर रखने चाहिए, हाथ धोने चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्या करना चाहिए? सर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको दोनों तरफ आता हूँ। पहली बात तो ये बताता हूँ कि बेसिकली इंसान को अगर आप स्टडी करें, अगर आप मेरी ये रिकॉर्डिंग को भी रिवाइंड करें तो आप देखेंगे इसमें मैंने पिछले 10 मिनट में दो या एक दफा अपने मुंह को टच किया होगा या अपनी नाक को टच। हैबिट है हमारी, ये हैबिट है। एन एवरेज पर्सन एक्चुअली टचेस अराउंड 2 dozen टाइम्स इन 1 आवर। ओके, अगर आप अपनी वीडियो बना लें तो 1 घंटे में आप देखेंगे कि आपने अपने चेहरे के किसी हिस्से को छुआ होगा। हाथों को साफ रखना ज्यादा जरूरी है, बड़ा जरूरी है इसका। हाथों को इसलिए धोना बहुत जरूरी है और हाथों को धोने के लिए द रिकमेंडेशन इज नंबर 2 चीजें। एक तो आप एक सोप से धोएं जो कि एंटीसेप्टिक सोप प्रेफरेबली, ठीक है, और उसको धोएं तो आप अपनी एक प्रोसेस से गुजर ले। मुराद ये है कि आप धोते हुए हाथ की दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से मल लें, ठीक है, उसके बीच के एरियाज को कवर कर लें और आपके नाखूनों के अंदर जहां पर वो एम्बेड हो सकता है उसको कवर कर लें। मैं आपको बताऊं जब हम सर्जरी करते हैं तो उसका जो वॉश होता है हाथों का, वो क्या स्क्रब जो करते हैं, जो स्क्रब कहलाता है, ठीक है, उसमें हम हथेलियों को धोते, हम उसके अंदर के बीच के हिस्से को करते हैं, हम अपने नाखूनों को 2 तरह से साफ करते हैं, एक इसको गोल गोल घुमा के और एक सीधा घुमा के, और फिर अपने अंगूठे को करते हैं और फिर दोनों हिस्सों को करते हैं। मुझे लगता है ये डॉक्टर साहब ये कोरोना वायरस जो है हमारा हैंड वॉशिंग हैबिट्स कम से कम ठीक कर देगा। ठीक है, हैबिट ठीक कर लें और इसे कम से कम 20 सेकंड पे ले जाएं। हाँ ठीक है, दैट इज द मैंडेटरी टाइम। 20 सेकंड तक आपके सोप लगा हो। और सर ये जो कम्युनल वॉशरूम्स हैं जहाँ पे हम मुश्तरका तौर पे साबुन इस्तेमाल करते हैं, ये भी आई बिलीव इट्स देखिए व्हेन यू गो टू द मॉल्स उसमें एक चीज बहुत अच्छी है आपको नजर आती है कि इंस्टेड ऑफ सोप अब आपके पास लिक्विड सोप है, विच इज मच बेटर कि आप एक ही साबुन से सब लोग नहीं धो रहे होते, बटन दबाते हैं और उससे आ जाता है। दूसरी चीज बहुत अच्छी हो गई, या तो वहां टिश्यू पेपर्स होने लगे और ड्रायर्स होते हैं, ठीक है। द टॉवल इटसेल्फ बिकम अ हब फॉर द वायरस टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब एक जो वन लास्ट चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हर जगह की एक इन्वायरमेंट होती है और हालात होते हैं,
हमारे पाकिस्तान में पर्टिकुलरली कुछ शहर जो हैं जिनमें लाहौर सरे फरिस्त है कि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स अपना देखें तो हम बहुत नीचे हैं उसमें। दुनिया के जो इन्वायरमेंट और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से अगर हम देखें तो हमारा नीचे में से लास्ट नंबर्स हमेशा होते हैं। हमारे यहाँ पे जहाँ पे ये कोरोना वायरस जो है इसका जो पैसेज अगर मैं देखूँ तो ये फूड पाइप नहीं है, ये मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जहाँ से मैं सांस लेता हूँ वहाँ पे जाता है। अगर मेरे मुंह में है और अगर इसको मैं स्वालो कर लेता हूँ तो शायद ये गायब हो जाए, लेकिन जिस सेल ने इसको होस्ट करना है वो मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद है। और ये वो ट्रैक है जिसमें लाहौर की डस्ट जो है उसके अंबार लगे हुए हैं। यू नो वी आर वेरी वल्नरेबल, आई बिलीव वी आर मच वल्नरेबल देन एनी अदर एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड। गॉड फॉरबिड अगर ये कोरोना यहाँ पे आता है तो ये कितना फैटल है विद दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट। सलमान साहब, इस वक्त इस पे कमेंट करना भी गालिबन एक मिथ हो जाएगा। क्यों? ओके, बिकॉज इट्स न्यू एंड नोवल वायरस एंड वी डू नॉट हैव एनी स्टडी दैट सपोर्ट्स दैट द हायर द पोल्यूशन इन एन एरिया हैज अ लिंक विद द हायर। अच्छा, आप ये कहने का मतलब पोल्यूशन हो सकता है नहीं मार दे? वी डू नॉट नो। ठीक है, ठीक है। सो इस वक्त ये डेटा कोई ऐसा नहीं है जो कि ये कह सके, मगर हाँ आपकी बात सही है कि जहाँ पोल्यूशन है जहाँ सारी चीज़ें हैं वहाँ बाकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, और जब आपको बाकी हों तो इसकी एसोसिएशन में एल्डरली पेशेंट्स में शायद एसोसिएशन बढ़ सकती है। बट दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल। बट गेटिंग टू स्मोकिंग, एक्चुअली स्मोकिंग तो वैसे ही ठीक नहीं है, लेकिन डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, हम न्यूट्रिशन की बात करें ना, इन्वायरमेंट की बात करें, कॉम्बिनेशन की, सो पोल्यूशन, स्मोक एंड कोरोना वायरस, नो सच एसोसिएशन हैज कम अप एज सच। ठीक है, सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दोस, और उसको आप इस वक्त ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। देखिए, हम इस वक्त चौथे पांचवें महीने में है कोरोना वायरस की प्रोग्रेशन स्टडी करने में। ठीक, दिस इज टू अर्ली। हम जब एक साल की नॉलेज लिए बैठे होंगे तो इस पर बेहतर कमेंट कर सकेंगे, मगर आज इस कमेंट करने का टू एन एक्सटेंड मतलब गालिबन वही होगा कि हम एक और मिथ क्रिएट। अच्छा, चूंकि आप रिसर्च से रिलेटेड हैं और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कितनी एंग्जाइटी है अमंग द रिसर्चर्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। एक तो ये ना कि कोशिश कर रहे हैं बट दिन रात जो लगे होते हैं लोग, जो बड़े बड़े नाम हैं रिसर्च के हवाले से, व्हाट काइंड ऑफ एंग्जाइटी इज देयर। आपने अपने शुरू के हिस्से में एक चीज मेंशन की थी विच इज राइटली, एक तो पीपल वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू दिस कॉज। ठीक, दिस इज अ ग्रेट थ्रेट। व्हाई अ ग्रेट थ्रेट? इसलिए इसका रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है, रेट ऑफ स्प्रेड जो है, वो एज कम्पेयर टू अदर फ्लू वायरसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो बहुत रैपिडली लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, और यही वजह है जब वुहान में उन्होंने स्टडी करना शुरू किया था तो उसकी एकदम पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, स्प्रेड में स्प्रेड की पॉपुलेशन जो कि इफेक्ट हुई वो बहुत ज़्यादा था, और उस नंबर में बहुत ज़्यादा लोग निमोनिया का शिकार हुए और उसकी वजह से बात भी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे पूरी दुनिया में हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो चूंकि ये चाइना से स्टार्ट हुआ तो चाइनीज डॉक्टर जो है शायद इस रिसर्च में भी दूसरों से आगे हों। एक खौफ ये भी है जो अमेरिका में अभी रिसेंटली हुआ और हार्वर्ड के अंदर बेशुमार रिसर्चर जो चाइनीज ओरिजिन के थे उनको पकड़ा गया, उनको डिपोर्ट भी किया गया, उन्होंने कहा कि शायद इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स अ बायोलॉजिकल वार आल्सो। एनी वैक्सीन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना फॉर दैट मैटर, अगर उसमें कुछ सोल्यूशन भी है और हाल भी है तो वर्ल्ड डू यू थिंक दे विल बी रिलक्टिंग टू एक्सेप्ट दैट, अज्यूमिंग कि कुछ चाइना कोई उसमें कोई डर्टी प्ले ना कर रहा हो? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात है, चल पड़ी है सर। वो जो एसोसिएशन है उस पर कमेंट करना मेरे ख्याल से वाइज इसलिए नहीं होगा कि वो दैट वाज मोर रिलेटेड विद द अनडिक्लेयर्ड फंडिंग रादर देन देयर एनी एसोसिएशन विद द वायरस इटसेल्फ। राइट राइट। मेरा ज़्यादा ही ख्याल है कि अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए कि हम वायरसेस खुद इतने हाई लेवल के डिवेलप हो सकें। ठीक है, डिस्पाइट ऑल दैट बायोटेक development and advancement, I don't think we still can create such viruses in the lab, but you would see that the conspiracy theories would always be. ठीक है, अच्छा one last comment मुझे आपसे चाहिए। हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी हंसते खेलते जो हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं। डू यू थिंक पीपल यहाँ पे दे आर कंसर्न दो, आई मीन एक देर सेंसिटिविटी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जी आउटब्रेक के बावजूद लोग मजबूत है अपनी जगह पे? देखिए, लोगों की एंजाइटी है जो विद टाइम कम हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है तो कम हो रही है, मगर देखिए ये अपनी जगह एक रियालिटी भी है। इट इज ऑलवेज वाइज टू प्रिपेयर ourselves. ठीक, और मेरे ख्याल से वैक्सीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज टिल द टाइम यू हैव वैक्सीन वो प्रिवेंशन है। ठीक, और मेरे ख्याल से उसमें सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव और सबसे मुश्किल तरीका सिर्फ ये है कि आप अपने हाथों की हिफाजत कीजिए और उसको अपने मुंह तक ले जाने से रोकें। अच्छा,
हैबिट्स डिवेलप विद द पैसेज ऑफ टाइम और वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं. उसके अगेंस्ट काम करना सबसे मुश्किल होता है. तो अगर हम सिर्फ ये हैबिट डेवलप कर लें कि हम अपने मुंह तक, खासतौर पे जो टी जोन है जिसमें आंखें हैं, नाक है और मुंह है, उस तक अपने हाथ को ले जाना रोक दें, तो आई एम श्योर वील बी एबल टू टेक केयर ऑफ दिस. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. माय प्लेजर. डॉक्टर साहब से बड़ी ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू हुई और जो हमारा कोशिश था वो ये था कि जो मिथ इस कोरोना वायरस के अराउंड है उसको हम डिस्कवर करें, बात करें और उनको हम रिवील करें कि ये सब मिथ हैं, रियलिटी से इनका ताल्लुक कोई नहीं है. लेकिन एक चीज़ जो डॉक्टर साहब से बात करके हमें पता चली वो ये है कि शायद इस प्रोसेस में बेशुमार हमारी ऐसी आदतें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और हमारी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, शायद हम वो करेक्ट कर सकें. हमें अपने हाथ धोने की आदत बेहतर करनी होगी, हमें जानना होगा कि हमने अपने हाथ किस तरीके से बेहतर, कम से कम हम अपने आने वाली जनरेशन बच्चों को ये बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं. एंड नॉट ओनली इट्स गोइंग टू सेव अस फ्रॉम कोरोना, इट इज गोइंग टू सेव अस फ्रॉम मेनी अदर इन्फेक्शंस दैट वी कैरी एंड दैट वी गेट फ्रॉम अदर पीपल. थैंक यू वेरी मच.